भाइयों और बहनों, जो धोखा, जो फरेब कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों के साथ किया है, वही झूठ और अफवाह फैलाने का काम जनजातीय परिवारों में भी किया जा रहा है। बीते 5 वर्ष से दिल्ली में भाजपा की सरकार है। 15 वर्ष तक यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन हमने आदिवासियों की जमीन पर आंच नहीं आने दी। जब तक, और ये मेरे शब्द लिखते रहिए, जब तक मोदी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, तब तक आदिवासी अधिकारों को खरोंच तक नहीं आने दी जाएगी। साथियों, ये फिर इसी फिराक में है कि आज झूठ बोलकर आपसे वोट कैसे मार लेना। याद रखिए, इन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए चने और नमक की योजना को बंद कर दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की योजना को बंद किया। ये अब यहां भी आदिवासियों को, पिछड़ों को मिलने वाली मदद को रोकने की योजना बना रहे हैं। आदिवासियों को मदद बंद होने के बाद ये कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, देख के खंडवा के लोगों को समझाना ही नहीं पड़ रहा है, सब समझ जाते हैं। भाई और बहनों, इन महामिलावटी लोगों द्वारा की जा रही साजिशों के बीच बीते 5 वर्ष देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए जी जान से हमने काम किया है। आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। आदिवासी युवाओं के खेल कौशल के विकसित करने के लिए हम विशेष ध्यान दे रहे हैं।